नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। शो का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम में पटियाल अकेला ऐसा बंदा है जो जनहित में खबरों का परीक्षण करता है। जो खबरें छोटी समझकर छोड़ दी जाती हैं, जो खबरें लोग भूल जाते हैं, पटियाल उनका पीछा करता है। आज पटियाल देश से एक सवाल पूछना चाहता है कि आम वोटर जीने के लिए वोट देता है या मरने के लिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तेज हवा चली, सड़क के किनारे लगा एक बोट गिरा, दबकर 14 लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसे भी मर सकता है, लेकिन मर गए। अब सरकार मौत का मुआवजा बांट रही है, कह रही है कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करेंगे। पटियाल कह रहा है हत्या का केस दर्ज करो, लापरवाही का हर्जाना दो, विज्ञापन के बोर्ड में उन लोगों के चेहरे चिपकाओ जिनकी लापरवाही से इतना नुकसान हो गया। चुनाव के नामांकन तो सब कोई दिखाएंगे, लेकिन पटियाल आपको जनहित में मौत के नामांकन का परीक्षण दिखाएगा। दूसरा परीक्षण उत्तराखंड राज्य में चल रही चारधाम यात्रा के खतरे का होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हुए हैं, उधर उनका राज्य कुशासन के कगार पर खड़ा है। चारधाम यात्रा के लिए 4 लाख में ये मान लीजिए कि 26 लाख लोगों ने 4 दिन में रजिस्ट्रेशन कर दिया। जगह जगह जाम लगा हुआ है, धक्का मुक्की हो रही है, यात्री इंतजाम में कमी की शिकायत कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि इस बार 45% यात्री ज्यादा आ गए हैं। यात्रा के दौरान 5 लोगों की मौत भी हो गई है। कारणों की जांच हो रही है। तीर्थ यात्रा में बद इंतजामी के पाप और पुण्य का परीक्षण पटियाल के साथ जरूर देखिए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के लिए काशी से अपना नामांकन कर दिया है। यहां 1 जून को मतदान होगा। हल्फनामे में उनकी कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए है। न घर है, न गाड़ी और ना कोई पैतृक संपत्ति। आमदनी का जरिया केवल सैलरी और बैंक में जमा पैसे का ब्याज है। वैसे तो पीएम मोदी देश के लोगों को ही अपनी असली संपत्ति बताते हैं, लेकिन काशी में नामांकन के साथ उसका भी पॉलिटिकल ब्रेकअप सामने आया है। मोदी की असली संपत्ति का परीक्षण पटियाल के साथ देखिए। पटियाल आज महंगाई के नतीजों का परीक्षण भी करेगा, बताएगा कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई दर कहां पर है और कहां सबसे कम, कौन चीज कितनी महंगी है और कितनी सस्ती हुई है। महंगाई जेब पर भारी है, वोटिंग मशीन पर नहीं। मुझे यह भी पता है, फिर भी पटियाल देश को महंगाई का परीक्षण दिखाएगा ताकि आपको याद रहे कि महंगाई किस चिड़िया का नाम है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।